देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान से अब तीर्थराज प्रयाग के तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज भी जुड़ रहा है। तीर्थ पुरोहित ने अब अपने यजमानों की वंशावली को डिजिटल करने की शुरुआत कर दी है। वंशावली को ऑनलाइन करने के लिए कुल वृक्ष कंपनी की ओर से वेबसाइट और मोबाइल ऐप तैयार की गई है। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अपने 2 से 3 पीढ़ियों के बारे में ही जान पाता था। हालांकि प्रयागराज आने वाले यजमानों की वंशावली को पूरा ब्यौरा तीर्थ पुरोहितों के पास मौजूद रहता है। तीर्थ पुरोहित द्वारा इसे पारंपरिक तरीके से वही में दर्ज किया जाता है, जहां पर अहम दस्तावेजों के काफ़ी पुराने होने पर उन्हें दोबारा उसे लिखवाना पड़ता था। इसके साथ ही कई बार इन दस्तावेजों के नष्ट होने का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में वंशावली को डिजिटल होने से वही के नष्ट होने का खतरा नहीं रहेगा। वंशावलियों के डिजिटल होने से कई पीढ़ियों की जानकारी भी एक क्लिक पर मिलेगी। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहित को भी अपने परंपरागत मोटी मोटी पोथियों और बही खातों के रखरखाव से छुटकारा मिलेगा। इससे जहां पुरोहितों को बही खातों के लेखन की पुरानी परंपरा से निजात मिलेगी, वहीं एक क्लिक पर विदेशों में बैठे यजमानों को भी अपनी वंशावली के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। कि हमें अपना इतिहास और अपने तीर्थ यात्रियों का इतिहास को संजोना है। अभी तक हम सब लोग उसको ऑन पेपर संजोते थे, लेकिन इस कुलवृक्ष के माध्यम से जो ये डिजिटल हो रहा है, आधुनिक हो रहा है, हमारा इतिहास और हमारे सारे परिवार के साथ साथ सारे जो है यात्रियों का इतिहास आधुनिक हो जाएगा। इसमें अभी थोड़ी सी सभी लोगों के बीच में एक सामंजस्य बैठाना है, बताना है। उन लोगों को बताया गया कि होता क्या है, अभी जो ऑन पेपर है उसको लोग इसमें करने में थोड़ा संकोच ये लगता है कि कहीं हमारा ये हैक ना हो जाए। हमारे अपने अभिलेख हैं, वो हमारे दूसरे किसी ऐसा भागीदार के साथ या जो परिवार का दूसरा सदस्य है जिसके पास वो भाग नहीं है, इसमें जाने के बाद कहीं वो भाग उसके पास ना हैक हो जाए। इस पर इनसे जो चर्चा हुई, इस बातें हुई अभी जो यहाँ आमने सामने, इन्होंने कहा कि नहीं, हर एक का खाता बैंक खाते की तरह कोड नंबर रहेगा। उस कोड नंबर से जब तक आप ना उसको चाहोगे तब तक दूसरा कोई नहीं खोल सकता। इससे श्योर होने की स्थिति में निश्चित जान लीजिए कि हमने सभी से भी कहा थी उसको, क्योंकि दोहरी प्रणाली अपनाइए, अपना मूल जो आप कर रहे हैं करिए, लेकिन हाईटेक भी होइए। इससे क्या होगा कि हम हिंदुस्तान में, आज हमारा कोई यात्री मध्य प्रदेश में है, वो बॉम्बे चला गया, कहीं वो विदेश चला गया, तो इससे वो जुड़ा रहेगा। हमारा इस आधुनिकी और जो आधुनिकीकरण आज ये कर रहे हैं, इससे वो हमेशा जुड़ा रहेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है इतिहास को संजोने के लिए। कुलवृक्ष कंपनी की ओर से वेबसाइट www.kulvriksh.org और मोबाइल एप्लीकेशन कुलवृक्ष तैयार किया गया है। कुलवृक्ष वेबसाइट और मोबाइल ऐप से वंशावली डिजिटल करने वाले पहले तीर्थ पुरोहित प्रदीप पांडे और दीपू मिश्रा जुड़ चुके हैं, जो कि यजमानों की वंशावली को डिजिटल करने का काम कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित दीपू मिश्रा के मुताबिक प्रयागराज में अयोध्या के राजा दशरथ और उनके सुपुत्र भगवान श्री राम की वंशावली जहां प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों के पास मौजूद है, वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खानदान की यहां पर वंशावली है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वामी करपात्री महाराज की वंशावली भी तीर्थ पुरोहितों के पास मौजूद है। तीर्थराज प्रयाग में कई बार माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन लोगों की भी मंशा रही है कि भारतवर्ष अब डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया जिसे स्वयं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो उनका एक सपना है कि डिजिटल इंडिया हो, तो डिजिटल तीर्थ पुरोहित भी हो, उनके बही खाते भी हों, उनके पूर्वजों के नाम भी डिजिटल हों, ताकि अगर कोई अमेरिका, लंदन, यूरोप, हांगकांग, जर्मनी, जापान, हमारे तमाम यात्री हैं जो विदेशों में जा कर के रह रहे हैं, तो इस हाईटेक माध्यम से वो हमसे जुड़े रहें, हमारा उनका संपर्क बना रहे। इसी कारण से आज तीर्थ पुरोहित समाज हमारा ये हाईटेक होने के लिए तैयार है। वहीं कुलवृक्ष के तकनीकी प्रमुख प्रमोद मिश्रा के मुताबिक ये वेबसाइट भारत के युवा वर्ग और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद कारगर साबित होगी, क्योंकि ये वेबसाइट में न सिर्फ
अपने पूर्वजों को लेखा जोखा रख सकते हैं, बल्कि अपने दैनिक गतिविधियों को भी दर्ज कर सकते हैं। इस वेबसाइट में अपने कुल से संबंधित एक एक व्यक्ति का डाटा उपलब्ध होगा, ताकि आपकी वास्तविक ब्लड चेन के लोग यानी आपके कुल के दूर दराज से रिश्तेदार और उनके सगे संबंधियों का विवरण भी आप यहां से देख पाएंगे और चैट की सुविधा के साथ ही आप उनसे संपर्क भी कर सकेंगे। यहां पर अपने परिवार के सदस्यों की जीवनी लिख पाएंगे और उसे रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। यहां पर दर्ज की गई वंशावली एक फैमिली ट्री के रूप में दिखाई देगी, जिसमें न सिर्फ आपको परिवार के लोगों का नाम दर्ज होगा, बल्कि फोटोग्राफ सहित उनके विवरण भी आपको देखने को मिल जाएगी। कुलवृक्ष भारतवर्ष का पहला ऑनलाइन वंशावली लिखने का प्लेटफॉर्म है, जहां आप सिर्फ वंशावली ही नहीं, आप यहां पर अपने परिवार के पूरे इतिहास को लिख सकते हैं। दिन डे बाय डे आप यहां पर अपडेट कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या आपके बारे में काफ़ी डिटेल्स आप दे सकते हैं, ताकि आपकी आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो आपके बारे में सही तरीके से जाने, सिर्फ नाम ही ना जाने, आपके संपूर्ण संघर्ष को वो लोग जाने। उसके लिए कुलवृक्ष एक सिंगल एक माध्यम है जो अभी स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर कई तरह के फीचर्स हैं हमारे, कुलवृक्ष मैचेस हैं, कुलवृक्ष ट्रीज हैं, फिर फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, और एंसेस्टर सर्च के फीचर्स हैं, जिसके माध्यम से आप अपने पूर्वजों को अतीत में जा सकते हैं और वर्तमान को लिख सकते हैं, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन आपके बारे में अधिक से अधिक इतिहास को जान पाए। ये हाईटेक तरीका है क्या, क्या लग रहा है आपको, क्यों किया आपने ऐसा? बिकॉज आज की जो युवा पीढ़ी है, दिन प्रतिदिन वो हमारे पूर्वजों से डिस्कनेक्ट हो रही है मॉडर्न लाइफ के अंतर्गत, तो कुलवृक्ष एक ऑनलाइन 100% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां वो डे बाय डे अब अपने आप को खुद स्टोर करेगी। जब वो अपने आप को स्टोर करेगी और जो पुरोहित लोगों के माध्यम से जब उनके पूर्वजों का डेटा उनको मिलेगा, तो वो दोबारा एक बार अपने अतीत से जुड़ने का प्रयास करेगी, अपने वर्तमान को लिखेगी, और वो भी अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए जो है अपने आप को पहुंचाएगी, क्योंकि संस्कृति तभी ट्रांसफर होगी जब वो लिखी जाएगी, लिखी नहीं जाएगी तो सही तरीके से ट्रांसफर नहीं होगी। यानी इतिहास लिखने का काम डिजिटली रूप में आप कर रहे हैं। डिजिटली, और ये पुरोहित समाज के लिए भी एक वरदान के रूप में साबित होगा, जब वह मोबाइल से लैपटॉप से इस वंशावली को ऑनलाइन लिखेगा, और वो हमेशा अपने यजमानों से कनेक्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि वो जब कार्यक्रम के लिए आए तभी कनेक्ट है, वो हमेशा 365 डेज 24 आवर्स वो कनेक्टेड रहेगा हमारे ऐप के माध्यम से। कुलवृक्ष का एंड्रॉयड ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, iOS ऐप है जो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, कुलवृक्ष पोर्टल है www.kulvriksh.org, जिसको लॉगिन करके आप हमारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। परिचय बता दें।